जरा सोचिए इससे अच्छी बात क्या होगी अगर आपको अपने ही गांव के विकास कार्यों में रोजगार का भी अवसर प्राप्त हो। कुछ ऐसी ही है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मनरेगा। आज हम बात करेंगे पंजाब के जिला बठिंडा के गांव पीड़ बैमन की, जो कि बठिंडा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की कुल आबादी 2800 के करीब है और यहां 550 घर हैं। इस गांव में हो रहे विकास कार्यों को देख आप भारत के गांवों की बदलती तस्वीर देख पाएंगे। 2017 से पहले ये गांव गंदे पानी के तालाब और उसमें जमा हो रही गंदगी से ग्रस्त था। मनरेगा के अधीन हुए विकास कार्यों ने इस गांव की रूपरेखा ही बदल दी है, जिससे यहां स्टेबलाइजेशन ऑफ पाउंड प्रोजेक्ट लगाया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से गांव के गंदे पानी की समस्या का पूर्णतः समाधान हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लग जाने से गंदे पानी को साफ कर सिंचाई के प्रयोग में लाया जा सकेगा। पिंड बीड़ बैमन विच जो ट्रीटमेंट प्लांट लग्या होया है, ये जगह ते पहला गंदा छप्पड़ सी, इस नाल बीमारियां फैलियां से कोले प्राइमरी स्कूल सी। ये जगह ते जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग्या, ADC मैडम ते पंजाब सरकार ने साडा बहुत साथ दिता, सारे पिंड ने साथ दिता। इस नाल साडे पिंड दी नहार बदली गई है। इस जगह ते हुण इक पार्क ते झूले ला रहे असीं। मेरा नाम बूटा सिंह है जी, मेरी उम्र 70 साल है। साढ़े पिंड नर्क सीगा टोबे दे सरपंच संदीप सिंह ने यह समारता वधिया बनाता, सरकार ने यदि हैल्प की मदद की, असी लोगों ने भी की। मैं निर्मलजीत कौर जी, पिंड बीड़ बैमन तो। साढ़े मतलब घर छप्पड़ के उपर आई तो साढ़े मतलब छप्पड़ बहुत ज़्यादा गंद सीगा जी। साढ़े छोटे छोटे बच्चे बहुत डर रहा जी, किसी वे बच्चा ना डिग पे, बहुत गंदी बदबू आती जी, रात को मच्छर बहुत सीगा जी, बहुत ज़्यादा बच्चों सौन नहीं दिंदा सी। तो हुण साढ़े पिंड का बहुत वधिया विकास होया जी, सारे पिंड के सहयोग नाल, सरपंच साहब के सहयोग नाल बहुत वधिया। मतलब इस प्लांट के लगन के कारण साढ़े मतलब छप्पड़ में बहुत वधिया सफाई रहिंदी आ, बहुत वधिया मतलब साढ़े विकास होया जी पिंड का। ये जो पॉन्ड इस विलेज का था, एक ट्रेडिशनल वाटर बॉडी थी और यहाँ पर वाटर स्टैग्नेट हो चुका था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केसेस आते थे मलेरिया एंड डेंगू के। जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती थी ये पॉन्ड ओवरफ्लो करके जो एडजेसेंट हाउसेज हैं, फार्मर्स की फील्ड्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको कम्प्लीटली फ्लड कर देता था और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये क्रिटिकल सिचुएशन थी और नरेगा के तहत फिर ग्राम सभा को इन्वॉल्व करते हुए जिला प्रशासन और ग्राम सभा ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया, इस पॉन्ड को एक वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में बदला, एक मिनी STP का रूप दिया। अब जो ये वाटर ट्रीट होता है ये अब इरिगेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। एंड जो इनकी प्रॉब्लम थी कि ओवर फ्लडिंग हो रही थी, इनको नुकसान झेलना पड़ रहा था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। इनफैक्ट अब यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक बन चुका है एंड स्टेंच की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द पॉन्ड विच वॉज वंस द सॉरो ऑफ द विलेज हैज़ बिकम द प्राइड ऑफ दिस विलेज। स्टेबलाइजेशन ऑफ पाउंड प्रोजेक्ट नतीजा है सरकार की आशावादी सोच का, गाँव वासियों के पूर्णतः सहयोग का। बठिंडा जिले का ये गांव मिसाल है जो कि दूसरे गांव के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।